नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीआई के बारे में। अगर आप लोग भी यूपीआई को इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोगों के लिए बड़ी अपडेट है। एनपीसीआई ने यूपीआई को लेकर उसको कुछ चेंजेस करे हैं। यहाँ पर ये जो चेंजेस है उसको 16 सितंबर 2024 से एप्लीकेबल कर दिया गया है, यानी कल से यहाँ पर ये चेंजेस जो है दोस्तों एप्लीकेबल हो गए थे। अब यहाँ पर दोस्तों यूपीआई के अंदर चेंजेस एनपीसीआई ने क्या करे हैं और ये चेंजेस कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल होने वाले हैं, पूरा डिटेल में जो है आप लोगों को समझाऊंगा। दोस्तों बता दूं, यहाँ पर एनपीसीआई ने यूपीआई की जो आप लोग पेमेंट करते हैं यूपीआई के थ्रू किसी को, तो यहाँ पर यूपीआई लिमिट को बढ़ा दिया गया है। यानी पहले इतनी आप लोग पेमेंट करते थे, अब उससे ज़्यादा यूपीआई आप लोग पेमेंट जो है यहाँ पर कर पाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों पर डे की यहाँ पर यूपीआई लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर भी दोस्तों कैपिंग लगाई गई है कि आप सभी को 5 लाख रुपए की यूपीआई पेमेंट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर एनपीसीआई ने कैटेगरी दोस्तों यहाँ पर डिवाइड कर दी है कि किन किन कैटेगरी में यहाँ पर आप लोग जो है यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं 5 लाख रुपए तक की। आप लोग पर्सनली सब लोग यहाँ पर एक दूसरे को 5-5 लाख रुपए नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं। कुछ कैपिंग है कहाँ पर यहाँ पर 5 लाख रुपए की आप लोग यूपीआई पेमेंट पर डे कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने में आप लोगों को बता दूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत सारे अलग अलग बैंक्स के इंस्टेंट अप्रूवल क्रेडिट कार्ड के लिंक दे रखे हैं। अगर आप लोगों को भी चाहिए क्रेडिट कार्ड इंस्टेंटली, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलिए, मनपसंद बैंक के क्रेडिट कार्ड के लिंक सेलेक्ट कीजिए, अप्लाई कीजिए, मिल सकते हैं आप लोगों को भी इंस्टेंट अप्रूवल। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपने टॉपिक पर वापस यहाँ पर आ जाते हैं। जो 5 जगहों पे आप लोग 5-5 लाख रुपए की पर डे के हिसाब से यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले है कि यहाँ पर अगर आप लोग टैक्स पे करते हैं, टैक्स पेमेंट के दौरान आप लोग 5 लाख रुपए तक की यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन उसमें ये है कि आपका जो बिजनेसमैन है वो यहाँ पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। सेकेंड दोस्तों, यहाँ पर आप लोग शिक्षा संस्थान में, यानी कि एजुकेशनल, मान लो किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में आप लोग यूपीआई पेमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप लोग 5 लाख रुपए तक की यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे। थर्ड दोस्तों, यहाँ पर मेडिकल एक्सपेंसेस, यानी कि आप लोग किसी हॉस्पिटल में पेमेंट कर रहे हैं, कोई दवाइयाँ खरीद रहे हैं, तो ऐसे में मेडिकल एक्सपेंसेस में भी आप लोग 5 लाख रुपए तक की यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। फोर्थ दोस्तों, यहाँ पर है आईपीओ। अगर आप लोग किसी आईपीओ में पैसा लगा रहे हैं, आईपीओ खरीद रहे हैं, तो यहाँ पर भी आप लोग 5 लाख रुपए तक की पर डे के हिसाब से यूपीआई पेमेंट जो है वो यहाँ पर दोस्तों कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, यहाँ पर दोस्तों सरकारी, यहाँ पर अगर कोई संपत्ति या सरकारी जो गवर्नमेंट, दोस्तों यहाँ पर आप लोग जानते होंगे कि गवर्नमेंट कुछ चीज़ें यहाँ पर हम लोगों को सेल करती है, लाइक स्टैचू हो गए, कोई मूर्तियाँ हो गई, कुछ भी हो गया, या गवर्नमेंट दोस्तों कोई भी प्रॉपर्टी सेल कुछ भी करती है, तो ऐसे में आप लोग 5 लाख रुपये तक की यूपीआई पेमेंट जो है पर डे के हिसाब से कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों इसमें एक चीज़ क्लैरिफाई करनी जरूरी है कि पर्सनल आप लोग एक दूसरे को यहाँ पर यूपीआई पेमेंट 5-5 लाख रुपये तक की नहीं कर सकते हैं, कि पहले आपकी लिमिट है कि 1 लाख रुपये जो भी लिमिट है पहले वो आपके यहाँ पर लागू रहेगी। लेकिन जो मैंने आपको 5 यहाँ पर जगह बताई है, इन जगहों पर आप लोग 5-5 लाख रुपये तक की यूपीआई पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। बाकी दोस्तों बता दूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत सारे अलग अलग बैंक्स के इंस्टेंट अप्रूवल क्रेडिट कार्ड्स के लिंक प्रोवाइड करवा रखे हैं। अगर आप लोगों को भी चाहिए क्रेडिट कार्ड इंस्टेंटली, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलिए, मनपसंद बैंक के क्रेडिट कार्ड के लिंक सेलेक्ट कर कीजिए, अप्लाई कीजिए, मिल सकते हैं आप लोगों को भी इंस्टेंट अप्रूवल। बाकी दोस्तों में दीजिए आगे, हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।